दोस्तों आज की स्टूडियो में आपको दिखाएंगे कि इंडियन आदमी से शादी करने वाली पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा मदीहा इमाम एक दफ़ा फिर से अपनी शादी की सेलिब्रेशन करने के लिए दुबई पहुंच चुकी हैं और अदाकारा ने अपने हस्बैंड के साथ अपने रिसेप्शन की बहुत प्यारी सी तस्वीर और वीडियो शेयर की हैं। दिखाएंगे कि किस तरह मदीहा इमाम और उनके इंडियन शोहर को फैंस ने काफ़ी अरसे बाद जब एक साथ देखा तो तमाम फैंस जहाँ बहुत ज़्यादा खुश हुए, वहीं साथ ही साथ कुछ फैंस का ये भी कहना था कि किस तरह अदाकारा जहाँ हमारे फलस्तीनी भाइयों के साथ इतना जुल्म हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब ही अदाकारा अपने इंडियन शोहर के साथ मिलकर अपनी शादी की खुशियां सेलिब्रेट कर रही है। आपके साथ मदीहा इमाम के आने वाले रिसेप्शन की मुकम्मल वीडियोस और तस्वीर शेयर करेंगे। लेकिन मदीहा इमाम, जिनका शुमार पाकिस्तान की मशहूर अदाकाराओं में होता है, कुछ अरसा कबल ही अदाकारा ने इंडिया के मशहूर प्रोड्यूसर और एक्टर और सिंगर मोजी बसेर से शादी की थी। अदाकारा की शादी के बाद सोशल मीडिया पर एक डिबेट शुरू हो गई थी और सबने कहना शुरू कर दिया था कि मदीहा इमाम ने हिंदू से शादी कर ली है। लेकिन आपको बताते चलें कि मदीहा इमाम ने हिंदू से शादी नहीं की है, बल्कि मदीहा इमाम के हस्बैंड मुसलमान हैं। मदीहा इमाम के हस्बैंड मोजी बसेर के नाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा फैंस कंफ्यूज नज़र आते हैं। और दोस्तों, अब एक दफ़ा फिर से अदाकारा ने दुबई में बहुत ही शानदार अंदाज के साथ अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही प्यारी सी रिसेप्शन की तस्वीर शेयर की, जहां फैंस ने तस्वीर को लाइक किया, वहीं साथ ही साथ बहुत से फैंस का ये भी कहना था कि किस तरह अदाकारा जो कि एक मुसलमान भी हैं, लेकिन फिर भी अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ इजहार यकजहती करने की बजाय अपनी खुशियाँ मना रही हैं और बजाय इसके कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने फलस्तीनी भाइयों के हक में आवाज़ उठाई है, अपनी शादी की खुशियां सेलिब्रेट कर रही हैं। दोस्तों, आपको मदीहा इमाम के रिसेप्शन की वीडियो कैसी लगी, अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।